दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 27 के 27 नक्षत्रों पर मैंने अपने विचार अपने वीडियो के माध्यम से चैनल पर अपलोड किए हैं। तो आपका जो भी जन्म का नक्षत्र हो, एक बार प्ले लिस्ट में जाकर वो नक्षत्र की वीडियो अवश्य देखें। और 26 जनवरी के बाद आपको उस जो 27 के 27 नक्षत्रों का वीडियो है, सेकेंड पार्ट आना शुरू हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी अपना फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो एक बार वो जरूर देखें, क्योंकि 26 जनवरी के बाद आपको 27 के 27 नक्षत्रों की वीडियोस सेकेंड पार्ट वाली आनी शुरू हो जाएंगी एक एक करके। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं कि मिथुन लग्न वालों का गोचर के हिसाब से ये जो फरवरी का महीना है किस प्रकार की एनर्जी लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर यह 3 का अंक लिखा हुआ है तो ये किसकी लग्न होगी, ये मिथुन लग्न हुई। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो की जानिए मिथुन लग्न वाले लोग कैसे होते अभी तक वो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो अवश्य देखें कि मिथुन लग्न वाले लोग कैसे होते हैं। तो चर्चा करते हैं गोचर की। देखिए गोचर क्या है कि ब्रह्मांड में जो ग्रह इस समय जिस राशि पर चल रहा होता है लग्न के अनुसार हम उसको उसी राशि पर लिख देते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले शुक्र की। तो देखिए शुक्र जो है 12 तारीख तक 12 फरवरी तक कहां रहेंगे, आपके छठे भाव में रहेंगे, मतलब वृश्चिक राशि में रहेंगे। उसके बाद 13 फरवरी को ये आ जाएंगे हमारे धनु राशि पर। बात कर लेते हैं हम सूर्य की। तो सूर्य अभी आपके 15 फरवरी तक कहां पर रहेंगे, आपके मकर राशि में रहेंगे, और उसके बाद मकर राशि से निकलकर जो 15 फरवरी आएगी उसमें कहां चले जाएंगे, ये हमारे कुंभ राशि में चले जाएंगे। अब बात करते हैं देखिए बुध की, और बुध आपके लग्नेश भी हैं। तो बुध 2 फरवरी को धनु राशि से निकलकर कहां आ जाएंगे, मकर में आ जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम मंगल की चर्चा करते हैं तो मंगल 6 फरवरी को धनु राशि से निकलकर यहां आ जाएंगे मकर राशि में। और राहु की चर्चा अगर हम लोग करते हैं तो राहु पूरे साल आपके 10th हाउस में रहेंगे, और इस महीने की जो की चर्चा हो रही है तो आपके 10th हाउस में मतलब मीन राशि में राहु गोचर करेंगे, केतु आपके कन्या राशि में गोचर करेंगे। और अगर बात करते हैं शनिदेव महाराज की, तो शनिदेव महाराज इस समय अपनी ही राशि मतलब कुंभ राशि में चल रहे हैं और मार्गी पोजिशन में चल रहे हैं। अब बात करते हैं देखिए हम गुरुदेव बृहस्पति की, जो कि मेष राशि में चल रहे हैं और मार्गी पोजीशन में चल रहे हैं और आपके 11वें भाव में चल रहे हैं। अब एक बात कर लेते हैं चंद्रमा के हिसाब से किस प्रकार से मतलब पूरे स्थिति रहेगी। तो देखिए 1 तारीख 27 और 28 नो चेंज इन जॉब, मतलब अगर आपको कोई सामने से ऑफर आ भी रहा है तो आप उसको 1-2 दिन की डिले कर सकते हो, मतलब इन दिनों में आप जॉब को चेंज नहीं कीजिएगा। 2, 3 और 4 और 29 तारीख ये टाइम फॉर चिल्ड्रेन है और एक अच्छा समय है, मतलब अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने का टाइम भी है। 5 और 6 की बात करते हैं टाइम फॉर एनिमी, मतलब शत्रु पक्ष हमारी तरफ हावी होने की पूरे प्रयास करेगा, या कहते हैं कि पीठ पीछे हमारी कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचा जाएगा। अब बात करते हैं कि 7 और 8 19, 20 और 21 ये टाइम है इस महीने का लव एंड रोमांस के लिए, तो इसका पूरा उपयोग कीजिएगा। 9 और 10 तारीख को हेल्थ इश्यूज शो हो रहे हैं। और बात करते हैं आपकी 16 तारीख 11 तारीख से लेकर 16 तारीख तक ये गुड टाइम है। गुड टाइम में आपकी जो भी डिसीजन, कोई आपको व्हीकल खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, या कुछ भी कुछ नया काम आपको करना है जो आप समझते होगी बहुत अच्छा है, तो आप इस समय का उपयोग कर सकते हैं। 17 और 18 थोड़ा खर्चे वाला टाइम चल रहा है, और 22 और 23 की हम लोग बात करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा टाइम आपको मिल रहा है। तो देखिए आप चर्चा करेंगे हम कि इस महीने में कौन सा ग्रह आपको किस प्रकार की ऊर्जा दे रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे लग्नेश की। देखिए लग्नेश जैसे महीना शुरू होगा तो कहां पर होंगे, धनु राशि पर होंगे, और लग्नेश का संबंध क्योंकि एक ही दिन का टाइम है इसलिए मैं आप कह रहा हूं कि 2 तारीख को बुध जो है आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। जब भी लग्नेश का संबंध 8th हाउस से बनता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिनके बारे में आपने अभी सोचा नहीं है, मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसके लिए हम आप ये समझिए जैसे कोई प्रॉपर्टी है या कोई हम चीज बेचना चाहते हैं, कौन सा जो कि अभी हमारे
माइंड में नहीं है, माइंड में नहीं है मतलब जिसके बारे में हमने सोचा नहीं कि इसको हम सेल करें और हमें यहां से पैसा आ सकता है, एक बात। दूसरी बात यह कि आपका टाइम रिसर्च में जाएगा। ये चीज आपको नोट करनी है कि अगर आप किसी भी चीज पे कोई रिसर्च करना चाहते हैं, अपने बिजनेस की कोई नई प्लानिंग करना चाहते हैं, तो लग्नेश आपको ये पूरी पूरा का पूरा सिस्टम दे रहा है। लेकिन यहां पर आपको ये भी देखना है कि जो बुध है ना, मालिक कहां कहां का है, आपके लग्नेश का है और आपके फोर्थ हाउस का है। जब लग्नेश का संबंध एट्थ हाउस से बनता है तो आप ये समझिए थोड़ा सा कोई हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ गई या इस टाइप की बातचीत रहती है। दूसरा, भौतिक सुख साधनों का हाउस भी आपका कौन सा है, ये आपके बुध का ही है और उसका संबंध एट्थ हाउस से बनना इसका मतलब ये कहलाता है कि कहीं ना कहीं जो भी डिसीजन आपको लेने हैं इस फरवरी के महीने में थोड़ा सोच समझ के लेने हैं। मतलब ऐसा ना हो कि आप किसी चीज को अभी खरीदने जा रहे हैं और पता चला कि उसके ऊपर पहले से ही लोन है, जो व्यक्ति आपको बेचना चाहता है उसके पहले आप पेपर्स पढ़िए कि वो क्या कहना चाहता है, आप किसके बीच किसके थ्रू उससे बातचीत कर रहे हो। जिसके दिन दो लोगों के बीच में अगर कोई चीज आप खरीदना चाहते हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ये देखिए इसके ऊपर कोई कर्जा वगैरह तो नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है क्योंकि उसका रीजन है कि लग्नेश का एट्थ हाउस से संबंध। तो ये सारी बात हुई थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर, कोई भी डिसीजन आपको लेना है पहले ठोक बजा लीजिए उसके बाद आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, देखिए आपके सेकंड हाउस की, सेकंड हाउस का मालिक कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा के हिसाब से हम लोग सभी गोचर लिखते हैं। अब बात होती है आपके थर्ड हाउस की, जो तीसरा हाउस हमारा होता है वो किस चीज का होता है, वो है पराक्रम का, छोटे बहन भाइयों का, आस पड़ोस का, अगर हम चाहते हैं कि कोई ऑनलाइन काम करना, ये सारी चीजों का होता है। अब इसका संबंध भी कहां बना हुआ है, एट्थ हाउस से बना हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी बात करेंगे किसी से भी इस पूरे महीने में, आपको ये जरूर ध्यान देना है कि मान लीजिए आपका प्रमोशन होना है या मान लीजिए आप कोई कोई ना कोई सर्विस कहीं करने जा रहे हैं, मतलब इसको छोड़ के दूसरी, तो इसका ये मतलब होता है कि आपको अपने मन की बात खास अपने लोगों से नहीं कहनी, मतलब दोस्तों से नहीं कहनी कि मेरा तो ऐसा काम होने वाला है या मैं तो उस वाली सर्विस में जाने वाला हूं, वहां मुझे बहुत प्रॉफिट हो रहा है, इस तरीके की चर्चा इस महीने आपको नहीं करनी। कब तक नहीं करनी, कम से कम 14 फरवरी तक आपको अपने मन की बात अपने तक ही सीमित रखनी है। जब तक कि काम पूरा ना हो जाए तब तक आप उस चीज को किसी से शेयर नहीं करेंगे, तो ये एक प्रिकॉशन आपको लेना है। बात करते हैं, देखिए आपके फोर्थ हाउस की, उसकी चर्चा लग्नेश के माध्यम से हो चुकी है। अब बात करते हैं हम आपके फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस का मालिक कौन है, शुक्र। अब देखिए शुक्र कहां पर है, देखिए 12 तारीख तक शुक्र है आपके छठे भाव में और 12 तारीख के बाद 13 तारीख को कहां पर आ जाएंगे, आपके लव एंड रोमांस वाले उसमें आ जाएंगे, मतलब यहां का मालिक कहां जाएगा, आपके पार्टनर या स्पाउस वाले भाग में आ जाएगा। तो देखिए अभी जो समय चल रहा है छोटी मोटी परेशानियों का आपका चल रहा है, हो सकता है कि जो शुक्र है ना, शुक्र किसको हम देखते हैं, वैभव को देखते हैं, या आप समझ लीजिए कि जो हमारे सामने, मतलब फीमेल कैंडिडेट, अगर आप मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो मेल, ये होता है शुक्र। तो कहीं ना कहीं कोई हेल्थ इश्यू आ रहा है, आप उसको धीरे धीरे उसको सॉल्व करोगे, उसका आपका नहीं उसका, तो इस तरीके की बातचीत आपको देखने को मिलेगी 12 फरवरी तक। और 12 फरवरी के बाद जब शुक्रदेव कहां आ जाएंगे, आपके सेवेंथ हाउस में आ जाएंगे, तब आप ये समझिए कि 13 फरवरी के बाद आपका जो मतलब मूड है वो एकदम बढ़िया रहेगा, आपके स्पाउस का मूड भी बहुत अच्छा रहेगा, जॉली मूड रहेगा। तो ये एक अच्छी पोजिशन आपके लिए शुक्र की यहां पर मानी जा रही है। और शुक्र इस समय मतलब मालिक, मतलब आपकी पत्री में मालिक कहां कहां के होते हैं, एक तो 12th हाउस के होते हैं, मतलब खर्चे वाले भाव के होते हैं। जब तक ये छठे हाउस में रहेंगे, मतलब 12 फरवरी तक जब तक रहेंगे, तो ये खर्च भी किस चीज पर कराएंगे, थोड़ा सा दवाई वगैरह पर भी इसका खर्च हो सकता है। तो ये एक प्रिकॉशन भी है। और 13 तारीख से ये इनके जो खर्चे वगैरह शुरू होंगे वो सब अच्छे कामों पर होना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए बात करते हैं आपके सिक्स हाउस की। अब देखिए सिक्स हाउस का मालिक कहां पर है, सिक्स हाउस का मालिक है एट्थ हाउस में। तो ओवरऑल अगर हम इस महीने को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज तो दिख रही होगी कि अधिकतर ग्रह आपके कहां से संबंध बना रहे, एट्थ हाउस से संबंध बना रहे हैं। तो देखिए ये एक थोड़ा सा आपको मेंटली डिस्टर्ब करेगा ये महीना,
लेकिन इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सी रेमेडी बताना चाहता हूं। वो क्या है कि आप लोग थोड़ा सा समय निकालकर मेडिटेशन में आइए, क्योंकि एर्थ हाउस किस चीज का है? एर्थ हाउस है जब हमारे ऊपर थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बातचीत आती है कि कहीं से कोई काम नहीं बन रहा या हर काम हमारा अटकता हुआ दिखाई देता है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम खुद के ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं। तो 10 से 12 मिनट जो भी आपका जन्म का नक्षत्र हो आप उसको निकालिए, और जो भी आपको लगता है तो इस चैनल पर जाकर उसको क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए। आप ये देखेंगे कि आपको जब आप मेडिटेशन करने जाओगे तो आपके पास एक अलग प्रकार की ऊर्जा आएगी जो सारी की सारी चीजों से लड़ने की आपको ताकत प्रोवाइड कराएगी। तो सेवेंथ हाउस की चर्चा करते हैं। सेवेंथ हाउस का मालिक कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। और गुरुदेव बृहस्पति बैठे कहां पर है? ये बैठे हैं इलेवेंथ हाउस में। तो देखिए ये दो जगह के मालिक होते हैं, एक तो आपके टेंथ हाउस के मालिक है और एक आपके स्पाउस वाले भाव के मालिक है, और बैठे कहां पर है? गुरुदेव बृहस्पति। तो ये इस पूरे महीने के सबसे पॉजिटिव ग्रह माने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की अगर मैं आपसे कहता हूं पांचवी दृष्टि कहां जा रही है? थर्ड हाउस पर जा रही है। जो चीज मैं आपसे कह रहा था कि अपने मन की बात कहीं ना कहिए, वो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। अगर आप अपने मन की बात अपने तक रखते हैं तो आप ये समझ लीजिए आप सक्सेसफुल हो जाओगे इस महीने। दूसरी बात, इनकी सातवीं दृष्टि कहां जाती है? आपके फिफ्थ हाउस में जाती है। तो जो महिलाएं इस महीने कंसीव करने के बारे में सोच रही हैं, तो उसके लिए ये समय बहुत अच्छा बना हुआ है। सात के बाद आठ नौ, नवी दृष्टि उनके कहां जा रही है? स्पाउस वाले भाग में जा रही है। तो मतलब कुल मिलाकर यह बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है। अब बात करते हैं आपके एट्थ हाउस की। एट्थ हाउस की मैंने आपको बात इसलिए बताई क्योंकि सारे ग्रह इस समय मैक्सिमम ग्रह आपके कहां पर है? एट्थ हाउस में। अब यहां से सूर्य कहां से, इसका मालिक कौन है? शनि। और शनि बैठे कहां है? आपके भाग्य वाले भाव में। तो कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा आपको कष्ट नहीं आने क्योंकि शनिदेव महाराज इस चीज को देख रहे हैं और आपके भाग्य के स्थान पर बैठे। 15 तारीख को का कि सूर्य जो है यहां से निकलकर कहां पहुंच जाएंगे? कुंभ में चले जाएंगे। अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो कुंभ में चले जाएंगे। अब मतलब पिता का अपने बेटे के घर में आना, उसका पूरा सम्मान और ये सारी चीजें होती हैं। तो आप ये समझ के चलिए कि ये जो समय आपका 15 तारीख या आपसे कहिए 14 तारीख के बाद परिवर्तित होना शुरू होगा, मतलब पॉजिटिव वे में आप जाना शुरू हो जाओगे। तो अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। और 10th हाउस में बैठे हैं राहु देव। बैठे किसकी राशि में? बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति की राशि में। राहु और केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती, लेकिन जिस राशि में वो बैठते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो फल देते हैं। तो दो राशियां देखिए गुरु की कौन सी है आपकी, जहां 9 नंबर लिखा है, मतलब आपका 7th हाउस और 10th हाउस। अब राहु यहां पर आपको तरह तरह के प्रपोजल्स दे, इस चीज में इन्वेस्टमेंट करो आपकी रकम बढ़ जाएगी, इस चीज में कीजिए आप ऐसा कीजिए। ये एक बहुत अच्छा टाइम है, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 11th हाउस में बैठ के आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। लेकिन राहु के अंदर एक बात आप जरूर समझिए कि इसकी गति बहुत फास्ट है, इसके सोचने का तरीका भी बहुत फास्ट है। तो जो भी प्रपोजल आपके सामने आते हैं उसको एक बार जरूर देखिए कि आंख मीच कर किसी की बातों में आके आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। आप उस सिस्टम को समझिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट में जाइए। प्रॉफिट होगा ठीक है, लेकिन वही चीज अगर आप जल्दबाजी में करते हो, बिना सोचे समझे करते हो, तो राहु की शरारत भी काम आती है, मतलब उसमें आपको नुकसान होने के भी पूरे चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भी चीज इस महीने आपको करनी है प्रॉपर ढंग से करनी है, मन में एक स्थिर भाव बनाए रखना है। स्थिर भाव मेडिटेशन से ही आता है, तो जल्दबाजी से बचिए। धीरे धीरे जिस मार्जिन में आप जाना चाहते हो आप आगे बढ़ जाएंगे, ये ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको वो चीजें समझनी है कि मैं इन्वेस्टमेंट कहां करने जा रहा हूं, तो आपको लाभ होगा अगर आपने उसको थोड़ा सा प्योरीफाई कर लिया तब। अब देखिए चर्चा करते हैं आपके हम 11th और 12th हाउस की। तो 12th हाउस के मालिक कौन है? 12th हाउस के मालिक है शुक्र, जो कि 12 तारीख तक आपके छठे भाव को देख रहे हैं, उसके बाद 7th हाउस में आते हैं। तो खर्चा दो प्रकार का हो रहा है, एक तो थोड़ा दवाई वगैरह में खर्चा हो रहा है, उसके बाद जब ये 13 फरवरी को आपके स्पाउस वाले भाग में आ जाएंगे तो इनका खर्चा भी अच्छी जगहों पर होना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटा सा एक सिस्टम मैंने आप लोगों के समक्ष रखा, अपने विचार प्रस्तुत किए। जिन लोगों की जैसे मैरिज अभी नहीं हो रही है तो 13 से 14 फरवरी के बाद ये समय एक अच्छा प्रपोजल आपके सामने भी आएगा। तो देखिए आज के लिए
इतना ही, और ये जितना भी मैं आप लोगों से बोलता हूं आप इसको इसके हिसाब से देखिए, क्योंकि जनवरी जनवरी में आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आप फरवरी उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।